हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही दुख की बात है कि हमारे रजनी भाभी के जो भैया थे इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जो कि सुबह ही एक्सपायर हो गए। तो हमको पता चला लगभग वही 7-8 बजे। हम फोन किए, उसके बाद बताने लगे। पहले बड़े वाले भाभी के पास फोन किए थे, रूपा भाभी के, तो मोबाइल नहीं लेकर गई थी मम्मी। जो उनकी सासू मम्मी है, उनसे बात हुई थी तो बताने लगी। तुरंत भैया के पास फोन किए तो पता चला कि इस दुनिया में नहीं है। और उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था पहले से भी। और आप सभी को पता है कि हम दिल्ली आ चुके हैं, और हम वीडियो में बताए थे कि हम चाहकर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। नहीं तो अगर 10, 20, 50, 60, 100 किलोमीटर होते तब भी हम लोग चले जाते, लेकिन दिल्ली आ गए हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है। और कोई भी कमेंट करे, पहले बहुत दूर तक सोचिए तब कमेंट करिए, ठीक है? और हम बहुत समझदार हैं, कोई भी काम करते हैं। जहाँ तक जानते हैं हम अपने आप को बहुत समझदार हैं, जो कि कोई भी काम करते हैं ना तो बहुत दूर तक हम सोच के करते हैं, ठीक है? पागल नहीं हैं। हाँ, जानते हैं कि भाभी गई थी मम्मी को देखने के लिए और हम लोग नहीं पहुंच पाए। हम लोग जा रहे थे देखने के लिए, लेकिन उस दिन हॉस्पिटल में लेकर चले गए थे, इसकी वजह से हम लोग नहीं पहुंच पाए। तो अभी कमेंट कर रहे हैं कुछ लोग जो है, करे तुम लोग बहुत ए हो, नहीं पहुंच पाए देखने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, कोई हम भगवान थोड़ी ना हैं कि हम जान रहे कि कब किसके साथ क्या हो जाएगा। बताइए, अभी हम दिल्ली आए, हमारे साथ भी कुछ हो जाए तो किसी को पता है? तो यही सारी चीज़ें सोच समझ के टिप्पणियाँ करना चाहिए। नहीं तो मान लीजिए अभी हमको टेंशन से तबीयत खराब हो जाएगा तो बताइए। तो अभी भाभी से बात हुआ है, भाभी का तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था अच्छे से। आप जानते हैं कि अगर किसी के घर में इतनी बड़ी घटना हो जाए तो कैसे वो रहेगा, समझ लीजिए। हम लोग बहुत दुख में हैं, पहुंच नहीं पाए, बस यही जान लीजिए। कह रहे ना, अगर 200 किलोमीटर होते तब भी हम लोग पहुंचने का प्रयास करते, लेकिन बहुत दूर हैं। टिकट कटवा रहे थे, टिकट ही नहीं मिल रहा था। तो बहुत सारी दिक्कतें पड़ रही हैं, और बस से नहीं जाते, बस से बहुत दिक्कत होता है। और हम लोग जाकर भी क्या कर पाते, जब देखने को नहीं मिलता तो जाकर भी क्या कर पाते, बताइए। तो यही सारी बातें हैं, ठीक है? और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और शायद बहुत दिन से तबीयत खराब था, हम लोगों को बाद में पता चला भी 4 से 5 दिन पहले। तो उसी दिन जिस दिन पता चला उसी दिन जाने वाले थे देखने के लिए। तो भाभी नहीं थी, कहीं गए, वहाँ गई थी मम्मी के घर। उसके बाद वहाँ से आई, भाभी को बोले चलिए दिखाते हैं, लेकिन हम लोग के नसीब में नहीं था देखने, तो हम लोग नहीं देख पाए। तो यही सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ नसीब में रहता है वही हो पाता है, उससे ज़्यादा नहीं कुछ भी। कितना भी फड़फड़ा ले, कितना भी उड़ ले, कुछ नहीं। तो अगर कोई गलती हुई है माफ़ करिएगा, कमेंट सोच समझ के करिए, अच्छा नहीं लगता है, तकलीफ होती है, ठीक है? और कोई भी काम हम करते हैं समझ बूझ के करते हैं, बस हम यही जानते हैं। और चलिए ठीक है दोस्तों, बाय बाय।